जादुई अंगार। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक रोहन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वे बहुत ही गरीब थे। अपना पेट भरने के लिए रोहन और उसकी माँ भीख मांगते थे। रोहन की माँ का नाम निर्मला था। कभी कभी ऐसा दिन भी आता जब रोहन और उसकी माँ बिना खाना खाए सो जाते थे। एक दिन अचानक रोहन की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से वह सांस भी नहीं ले पाती। माँ, आपको क्या हो गया? माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। कुछ सांस लेने में तकलीफ हो गई है, ठीक हो जाऊंगी। तू मेरी चिंता मत कर। नहीं माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा इलाज करवाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। रोहन रोते हुए घर से बाहर निकलता है। अगर मेरी माँ का इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। हे भगवान, मैं पैसे की कमी के कारण बहुत लाचार हूँ। रोहन की नजर गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर के बंगले पर पड़ती है। रोहन बंगले के पास जाता है और देखता है कि घर की खिड़कियाँ खुली हुई हैं। रोहन रात को ही खिड़की से ठाकुर के बंगले में घुस जाता है। फिर वह दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। तभी उसकी नजर चांदी की मूर्ति पर पड़ती है। वह मूर्ति को उठा लेता है और फिर खिड़की से बाहर निकलने के लिए कुर्सी का सहारा लेता है। मगर तभी रोहन कुर्सी पर से डगमगा कर नीचे गिर जाता है, जिससे ठाकुर और उसके घर वाले जाग जाते हैं। रोहन को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? क्या किसी ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं? इस गलती के लिए तुम्हें बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर ठाकुर अपने आदमियों को बुलाता है। इसको यहाँ से ले जाओ और इसको इतना मारो कि फिर से कभी चोरी करने का नाम ना ले। ठाकुर के आदमी रोहन को मारते हुए बंगले से बाहर ले जाते हैं। मत मारो मुझे, मत मारो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरी माँ का इलाज कौन करवाएगा? अगर इलाज नहीं हुआ तो मेरी माँ मर जाएगी। ठाकुर के आदमी उसकी एक नहीं सुनते और उसको बहुत मारते हैं, जिससे रोहन के सर से बहुत खून गिरने लगता है और रोहन जमीन पर गिर जाता है। ठाकुर के आदमी उसे मरा हुआ समझकर उसको फेंकने के लिए जंगल में जाते हैं। वे रोहन को एक जगह फेंक देते हैं। रोहन को होश आता है। उसे लगता है कि जैसे किसी ने अपनी बाहों में उसे थाम लिया हो। वह देखता है कि उसके पास आग की लपटें निकल रही हैं। आग की लपटें ठाकुर के आदमियों की तरफ बढ़ती है। आग की लपटें अपनी तरफ आते हुए देख ठाकुर के आदमी वहां से भाग निकलते हैं। फिर आग में बहुत तेज रोशनी निकलकर रोहन के ऊपर पड़ती है, जिसके तेज से रोहन की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर जब रोहन अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके शरीर की सारी चोट ठीक हो गई है। यह देखकर रोहन अचंभे में पड़ जाता है। तभी उस आग से आवाज आती है। बेटा, अब तुम ठीक हो, मैं अग्नि हूँ। रोहन इधर उधर देखने लगता है कि आवाज आई कहाँ से। तभी रोहन को उस आग के अंदर एक मनुष्य दिखने लगता है। रोहन यह देखकर डर जाता है। बेटा, डरो मत, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप तो अंगार हो, अंगार का काम जलाना होता है, यह सब आपने कैसे किया? यह मेरी जादुई शक्तियों का कमाल है। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है और वे लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? रोहन सब कुछ उस जादुई अंगार को बताता है। रोहन की बातें सुनकर जादुई अंगार रोहन को एक मटका देता है, जिसके अंदर एक चंदन की लकड़ी रहती है। बेटा, ये लो, इस चंदन की लकड़ी को घिसकर अपनी माँ के शरीर पर लगा दो। इसको लगाते ही तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इस मटके से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। रोहन जादुई अंगार के द्वारा दिए गए मटके को और चंदन की लकड़ी को पाकर बहुत खुश होता है।
और अपने घर वापस आ जाता है। घर आने पर रोहन उस चंदन की लकड़ी को अपनी माँ के शरीर पर लगाता है, जिससे उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। रोहन उस जादुई आग के बारे में अपनी माँ से सब कुछ बताता है। माँ, आपकी तबीयत इस चंदन की लकड़ी की वजह से ठीक हुई है, जो मुझे उस जादुई अंगार ने दिया, और उसने मुझे यह मटका भी दिया। इस मटके से मैं जो भी मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। रोहन और उसकी माँ बहुत भूखे रहते हैं। रोहन मटके से खाने की चीजें मांगता है। रोहन के मांगते ही उस मटके से विभिन्न प्रकार के पकवान निकलकर रोहन के सामने आ जाते हैं। फिर रोहन और उसकी माँ पेट भर खाना खाते हैं। उस मटके से बहुत धन दौलत भी मिलती है और रोहन की गरीबी दूर हो जाती है, जिससे रोहन बहुत खुश होता है और फिर उस जादुई अंगार के पास जाता है। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपकी जादुई शक्तियों की वजह से मेरी माँ की तबीयत ठीक हो गई है और हमारी सारी गरीबी भी दूर हो गई। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बेटा, बहुत साल पहले मैं अपनी इन्हीं जादुई शक्तियों की वजह से दुराचारी और निर्दयी बन गया था, जिसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? बेटा, बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान था। मेरा नाम भरत था। मेरी मुलाकात एक जादुई बाबा से होती है। उनके पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ थी। मैं उनका शिष्य बनकर उनसे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ सीख गया। जादुई शक्तियाँ मिलने के बाद मैं बहुत ही घमंडी और ईर्ष्यालु बन गया। मैं उन जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लग गया। फिर जब बाबा को इस बात का पता चलता है कि मैं उन जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास आए और बोले, भरत, मुझे पता चला है कि तुम मेरे द्वारा दिए गए जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तुम अब यह सब करना बंद कर दो। बाबा जी, मैं जादुई शक्तियों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब मेरे सामने आकर अपना सिर झुकाए, जो मैं कहूँ सब वही करे। बाबा जी भरत की बातें सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और भरत को श्राप दे देते हैं। भरत, आज तुम जिन जादुई शक्तियों की वजह से इतने अहंकार में जल रहे हो, तुम अब इसी तरह हमेशा जलते रहोगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अब हमेशा आग बनकर जलते रहोगे। अब तुम इस श्राप से मुक्ति तभी पाओगे जब तुम अच्छे दिल से इन जादुई शक्तियों द्वारा किसी का भला करोगे, और वो मनुष्य तुम पर अपने हाथों से पानी डालकर तुम्हारे शरीर की आग को बुझाएगा। बेटा, तब से मैं इस आग में जल रहा हूँ। रोहन जादुई आग की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है। मुझे आपके शरीर की आग को बुझाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ से बहुत दूर एक रामपुर नाम का गांव है। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक काला कुआं है। उस काले कुएं का पानी यदि तुम मेरे ऊपर डाल दोगे तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। जादुई आग की बातें सुनकर रोहन कुएं की तलाश में निकल पड़ता है। फिर रोहन रामनगर गांव जाकर उस बरगद के पेड़ के नीचे स्थित काले कुएं का पानी लाता है और जादुई आग के ऊपर डाल देता है। काले कुएं का पानी जादुई आग पर डालते ही जादुई आग एक मनुष्य में बदल जाता है। रोहन, तुमने आज मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। भरत श्राप से मुक्त होने के बाद अपनी जादुई शक्तियों से लोगों का भला करने लगता है, और इधर रोहन और उसकी माँ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जादुई बादल। हीरा एक गरीब ईमानदार परोपकारी और मेहनतकश किसान था। उसके खेतों में अनाज की बुआई के बाद फसल के छोटे पौधे भी तैयार हो गए थे। अब उसे अपने खेत के लिए पानी चाहिए था। नन्हे भैया, मेरा एक बैल बीमार है। आप अगर अपना एक बैल मुझे 2 दिन के लिए दे दे तो मैं उसे अपने बैल के साथ जोड़ी बनाकर पूर्वज से सिंचाई कर लेता
ऐसा ना हुआ तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। देखो भैया, अभी तो मेरे ही खेतों की सिंचाई चल रही है, इसीलिए मैं वादा नहीं कर सकता। तुम दूसरे किसी से मदद ले लो तो अच्छा है। हीरा ने दूसरे किसानों से भी बात की, लेकिन सभी लोगों ने कोई ना कोई कारण बताकर उसे खाली हाथ वापस भेज दिया। हीरा ने आकाश की तरफ देखा, लेकिन बादलों का कोई नामो निशान न होने के कारण उसे बड़ी निराशा हुई। वह दुखी मन से घर की तरफ चल पड़ा। उसे रास्ते में दुखिया मिल गया। अरे भैया, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? दुखिया भैया, मैं सिंचाई की चिंता के कारण दुखी हो गया हूँ। बहुत से लोगों से बेल मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। अरे भैया, इस दुखिया के होते हुए आप दुखी रहे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप मेरा एक बैल ले लीजिए और सिंचाई कर लीजिए। दुखिया का बैल तो मिल गया, लेकिन अब पूर्वट के लिए कुआं खाली नहीं था। एक दूसरा किसान सिंचाई कर रहा था। खजूर से गिरे तो बबूल में अटके, अब क्या किया जाए? सिंचाई के बिना तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बादल भी दुश्मन बन गए हैं, ना जाने रूठ कर कहां चले गए हैं। हीरा ने देखा सामने से बंटा चला आ रहा है। अरे बंटा, तू बहुत भविष्यवाणी करता है, अब बता पानी कब बरसेगा? हीरा भैया, थोड़ा धीरज रख लो, गोरे बादल आएंगे, जल ही जल बरसाएंगे। तेरे गोरे बादल कहाँ छिपे हैं? उन्हें जल्दी से बुला, मेरा हो जाए भला। बंटा भैया, तुम्हारे खेत की सिंचाई हुई कि नहीं? कहाँ हुई भैया, कुएं पर अब आपका नंबर लगा है, इसके बाद मंगरू का आ जाएगा, यह बंटा देखता रह जाएगा। अरे भाई, सिंचाई बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारे खेत की सिंचाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक काम करो, कुएं पर पूर्वट का मेरा नंबर है, वो तुम ले लो। भैया, आपके खेत की सिंचाई भी बहुत जरूरी है, फिर भी आप मुझे अपना नंबर दे रहे हो, आपका दिल बहुत बड़ा है। मेरे भाई, आपस के सहयोग से बहुत सारी बातें बन जाती है, अपनों की दुआएं ही तो काम आती है। कुएं पर हीरा के पूर्वट चलाने का जब नंबर आया तो उसने अपने बात के अनुसार बंटा को मौका दे दिया। पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया था, पूर्वट की रस्सी छोटी पड़ रही थी। हीरा भैया, पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि अब यह रस्सी छोटी पड़ रही है, आप ही मदद कीजिए। अरे भाई, चिंता मत करो, मेरे घर में बड़ी रस्सी है, ले लो और जल्दी से सिंचाई कर लो, जहाँ चाह है वहाँ राह है। बंटा ने हीरा से रस्सी लेकर अपने खेतों की सिंचाई करना शुरू कर दिया। उसके बहुत सारे खेत थे और सिंचाई में समय भी लगने लगा। अब यह आखिरी खेत है, इसकी सिंचाई हो जाए तो फुर्सत मिल जाए, लेकिन पानी बहुत कम आ रहा है। कुछ देर के बाद बंटा के खेत में पानी तो पूरा मिल गया, लेकिन कुएं का पानी लगभग समाप्त हो गया था। गर्मी का महीना था, कुएं जल्दी ही सूख रहे थे। बंटा, अच्छा हुआ तुम्हारे सभी खेतों की सिंचाई पूरी हो गई, अब मैं गोरे बादलों का इंतजार कर रहा हूँ। हीरा भैया, मुझे नहीं अच्छा लगा, भगवान करे आपकी भी खेतों की सिंचाई हो जाए। भगवान करे तुम्हारी दुआ लग जाए। अच्छा तो भाई, चलता हूँ। हीरा मन ही मन सोचने लगा कि कम से कम बंटा के खेतों की सिंचाई तो पूरी हुई, अगर मेरी सिंचाई का नंबर पहले लग जाता तो बंटा के आधे खेत ऐसे ही पड़े रह जाते। हीरा यह भी जानता था कि उसके खेतों के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है, अन्यथा फसल बर्बाद हो जाएगी। उसने एक बार निराश होकर आसमान की तरफ देखा और घर चला गया। ए बादलों, कहाँ हो? फसल बर्बाद हो जाएगी, कुछ तो रहम खाओ। इतने में एक सफेद बादल हीरा की खिड़की से घर के पास ऊपर दिखाई पड़ा। वह आश्चर्य में पड़ गया। अरे, ये तो कमाल हो गया, अचानक मौसम बदल गया। मैं एक बादल हूँ, तुम्हारे जैसे नेक आदमी को कष्ट में देखकर मुझे कष्ट हो गया। जिसके इरादे नेक, उनकी राह अनेक। चलो, तुम्हारे खेतों की भी काया पलट कर देता हूँ।
हीरा दौड़कर अपने खेतों के पास पहुंच गया और जादुई बादल उसके ही खेतों में पानी बरसाने लगा। इस तरह की सिंचाई देखकर उसका मन झूम उठा। अरे बादल राजा, आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर दिया, बेमौसम बरसात करके मेरा पूरा खेत ही भर दिया। मेरे दोस्त, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, खेतों में तुम्हारे मैं पानी भी बरसाऊंगा। दूसरे किसानों ने जब हीरा के खेत की सिंचाई देखी तो दांतों तले उंगली दबाने लगे। जब फसल पूरी तरह से तैयार हो गई, तब हीरा ने विचार बनाया कि 2 दिन बाद फसल की कटाई करेगा। इसी बीच वह बीमार पड़ गया, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक तो गरीबी की मार और ऊपर से मैं बीमार, हे भगवान, क्या सारी तकलीफें हमारे हिस्से में ही आएंगी। अचानक खिड़की से पानी का एक फुहारा अंदर आ गया। हीरा ने देखा खिड़की के पास जादुई बादल मुस्कुरा रहा था। क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत परेशान दिख रहे हो। गरीब किसान हमेशा परेशान ही रहता है मेरे यार, फसल की कटाई हो नहीं पाई, ऐसे वक्त पर बीमारी चली आई, बहुत लाचार हो गया हूँ। यार मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जादुई बादल ने पानी की फुहार हीरा के ऊपर डाल दी और हीरा भला चंगा हो गया। अरे बादल मेरे यार, यह तो जादुई चमत्कार, मेरी सारी बीमारी छू मंतर हो गई। अच्छा तो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। हीरा चलते हुए अपने खेत के पास पहुँच गया। उसने जब अपने खेत को देखा तो सन्न रह गया, पूरे खेत की फसल साफ हो गई थी। हे भगवान, यह किसने मेरी बीमारी का फायदा उठाकर सारी फसल काट ली, एक दाना भी नसीब ना हुआ, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी सारी जुताई बुआई सिंचाई बेकार चली गई। हीरा बड़े दुखी मन से अपने घर लौट गया। उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर देखने लगा। अरे ये अनाज की बोरियां भरी हुई कहां से आ गई? हीरा के देखते ही देखते अनाज से भरी हुई बहुत सारी बोरियां एक के ऊपर एक घर के अंदर सज गईं। खिड़की के पास जादुई बादल भी दिखाई पड़ा। प्यारे दोस्त, तुम्हारे खेत की फसल के दाने हैं बोरियों में आ गए हैं, यह लो एक अतिरिक्त बोरी मेरी तरफ से उपहार है। दोस्त तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। जादुई बादल ने एक और फुहार कर उसे उपहार वाली बोरी बरसा दी और वह आकाश में उड़ गया। हीरा ने जब यह उपहार वाली बोरी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी बोरी सोने से भरी हुई थी। जादुई बादल ने एक ही झटके में हीरा की सारी गरीबी दूर कर दी, उसे माला माल कर दिया। इस तरह नेक हीरा सत्कर्म करते हुए एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा।